बिहार में मचे सियासी भूचाल के बीच एक अरे मार्ग सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए जेडीयू के तमाम विधायक और सांसद एक अरे मार्ग पहुंच गए। बैठक को लेकर सीएम आवास के बाहर हलचल तेज हो गई है। इस बैठक में जेडीयू के विधायकों के साथ सभी सांसद भी शामिल हो रहे हैं। अब सभी की नजर इस ओर है कि जेडीयू का अगला कदम क्या होगा। बैठक के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है। सीएम हाउस में चल रही महत्वपूर्ण बैठक में पहुंचे जेडीयू के सांसदों और विधायकों ने साफ कर दिया है कि वे नीतीश कुमार के हर फैसले के साथ मजबूती से खड़े हैं। उनका कहना है कि शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वह हमें मंजूर होगा। बैठक से पहले मंत्री जयंत राज ने कहा है कि बिहार में ताजा राजनीतिक गतिविधि को लेकर हम लोगों की बैठक हो रही है। जेडीयू के सभी विधायक नीतीश जी के साथ है और हमें कोई नहीं तोड़ सकता। जेडीयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के कद को छोटा करने की कोशिश की गई है। यह बात गांव का एक छोटा जेडीयू कार्यकर्ता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा है कि धैर्य रखिए, बैठक के बाद अच्छी खबर मिलेगी। वही बैठक से पहले जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान ने कहा है कि बैठक के बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी। पार्टी के नेता का जो भी निर्णय होगा विधायक उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। वही मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी के वे जो भी निर्णय लेंगे हम सबको मंजूर होगा, हम सब नीतीश कुमार के साथ हैं। लेसी सिंह ने कहा है कि आज जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उधर नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र का भी बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू सांसद ने कहा है कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई थी लेकिन जेडीयू को तोड़ने में सफल नहीं हुए। ऐसी कोशिश करने वाले सफलता नहीं मिलती। ऐसी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे मगही आवाज़। धन्यवाद।